असिस्टेंट डॉक्टर अंजलि कश्यप, सहायक प्राध्यापक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़ में पढ़ाती हूँ मैं। मैं दीक्षा नहीं ली थी उसके पहले भी बापूजी को गुरु की तरह मानती थी और उनके पुसरी चित्र लेकर उनकी पूजा करती थी। एक दिन मुझे जरूरी काम से कुछ दूर 60 किलोमीटर मुझे जाना था। जाने से पहले बापूजी की मैं और अपने जो इष्ट देवी देवता है उनकी मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मुझे दिल से ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं वहाँ ना जाऊँ या मेरे साथ कोई घटना घटने वाली है। फिर भी मेरा काम बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं वहाँ जाना जरूरी समझी और मैं चली गई। मेरे साथ में मैं एक टैक्सी में बैठी थी और टैक्सी में बैठे बैठे मैं ऋषि प्रसाद पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। फिर रास्ते में एक 10-15 किलोमीटर टैक्सी जाने के बाद ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें शायद हम लोगों की सबकी जान जा सकती थी। और उस अनुभूति को याद करके मुझे काफ़ी मैं बयान नहीं कर सकती उस समय। फिर उसके बाद ज़ोर से उसका ट्यूब और टायर फट गया और गाड़ी लड़खड़ाते हुए जा कर के पेड़ से टकराती और पेड़ से टकराने के बाद पता नहीं हम लोग के साथ क्या होता ये मैं नहीं कह सकती। क्योंकि मैं ऋषि प्रसाद पढ़ते पढ़ते सो गई थी और जैसे ही टायर फटा सारी महिलाएं बच्चे वहाँ पे थे बहुत से जोर से चिल्लाने लगे थे। तो मेरी नींद मैं बयान नहीं कर सकती उस समय। फिर उसके बाद ज़ोर से उसका ट्यूब और टायर फट गया और गाड़ी लड़खड़ाते हुए जा कर के पेड़ से टकराती और पेड़ से टकराने के बाद पता नहीं हम लोग के साथ क्या होता ये मैं नहीं कह सकती। क्योंकि मैं ऋषि प्रसाद पढ़ते पढ़ते सो गई थी और जैसे ही टायर फटा सारी महिलाएं बच्चे वहाँ पे थे बहुत से जोर से चिल्लाने लगे थे। तो मेरी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद मुझे मतलब उसी समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई सफ़ेद वस्त्रधारी विशालकाय शरीर वाले हमारी जो गाड़ी है जिसको हम लोग माचिस की डिब्बी ऐसे पलट जाती है तो उसको सीधा रखते हैं वैसे ही पूरे जीप को टैक्सी को ऐसे सीधा करके रख दिए ऐसा मुझे महसूस हुआ और मेरी नींद खुल गई। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर तो गिर गया था पीछे। ड्राइवर उतर करके जैसे ही देखा सामने गाड़ी रुकी तो एक छोटा सा पत्थर पूरी टैक्सी को रोक लिया था और पेड़ से टकराने से गाड़ी बच गई थी और हम लोग सब कोई बाल बाल बच गए थे और किसी को भी कोई खरोच नहीं आई। उस समय वो ड्राइवर फिर जाके चक्के को देखा, चक्के बुरी हालत हो गई थी, पूरी टायर फट गई थी और ट्यूब फट गया था पूरा उसका। और फिर पीछे वो आया और बोलता है पता नहीं मेरी गाड़ी में कौन भाग्यशाली बैठा है, क्या है, कैसा है, तो इतने सारे लोग बच गए नहीं तो किसी का बचना मुश्किल नहीं था। ये घटना मैं बापूजी को दीक्षा नहीं ली थी तब की यह घटना है। दीक्षा लेने के बाद बापूजी ने तो कई बार मेरी जान बचाई है और ऐसी प्रेरणा हमेशा मेरे को बापूजी देते रहे। मैं बयान नहीं कर सकती उस समय। फिर उसके बाद ज़ोर से उसका ट्यूब और टायर फट गया और गाड़ी लड़खड़ाते हुए जा करके पेड़ से टकराती और पेड़ से टकराने के बाद पता नहीं हम लोग के साथ क्या होता ये मैं नहीं कह सकती। क्योंकि मैं ऋषि प्रसाद पढ़ते पढ़ते सो गई थी और जैसे ही टायर फटा सारी महिलाएँ बच्चे वहाँ पे थे बहुत से ज़ोर से चिल्लाने लगे थे। तो मेरी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद मुझे मतलब उसी समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई सफ़ेद वस्त्रधारी विशालकाय शरीर वाले हमारी जो गाड़ी है जिसको हम लोग माचिस की डिब्बी ऐसे पलट जाती है तो उसको सीधा रखते हैं वैसे ही पूरे जीप को टैक्सी को ऐसे सीधा करके रख दिए ऐसा मुझे महसूस हुआ और मेरी नींद खुल गई। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर तो गिर गया था पीछे। ड्राइवर उतर करके जैसे ही देखा सामने गाड़ी रुकी तो एक छोटा सा पत्थर पूरी टैक्सी को रोक लिया था और पेड़ से टकराने से गाड़ी बच गई थी और हम लोग सब। लेकिन हमारी अनुभूति तो बहुत अधिक है, हम उनको शब्दों में वाक्यों में हम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं। आज भी मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ, अकेले इस आश्रम में आई हूँ, यहाँ अनुष्ठान की हूँ, इतना मुझे अच्छा अनुभव होता है यहाँ जोधपुर आश्रम में। पता नहीं किसी और आश्रम में ऐसा अनुभव हो रहा होगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरा जीवन तो पूरा बापूजी के लिए समर्पित हो गया। मेरा रोम रोम बापूजी के एहसान से भरा पड़ा है। इसको मैं मेरे पर कितने एहसान है बापूजी के ये मैं उसको वाक्यों में कह नहीं सकती हूँ। मैं बापूजी की बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बापूजी जैसे गुरु मिले हैं। हरिओम।